वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 है। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ यू लाइक द वीडियो देन थम्स अप, प्रेस द बेल आइकन बटन एंड कमेंट। चले स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वैल्यूज ऑफ कॉन्टिनेंटल एंगल्स की, नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ थीटा की। चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि जब कोई भी एंगल एक्सिस के अलोंग पाया जाता है, द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर आइदर 0, 1 या -1 और अनडिफाइंड। यानी कि कोई भी फंक्शन हमारा चाहे एक्स एक्सिस के अलोंग है चाहे वाई एक्सिस के अलोंग पाया जाएगा, उसकी वैल्यू हमेशा जो होगी वो सिर्फ 0, 1 या -1 या अनडिफाइंड होगी। जब भी किसी व्हेन द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज अनडिफाइंड, इट मींस दैट द रेशियो फॉर दैट गिवन फंक्शन इन्वॉल्व डिवीजन बाय 0। इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू, मतलब कि किसी भी टर्म की वैल्यू अगर अनडिफाइंड है तो किसी भी अनडिफाइंड है तो इसका मतलब है कि उसके उस वैल्यू की डिवीजन में जीरो मौजूद है। बिलो इज अ टेबल विद द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन फॉर कॉर्डिनेटल एंगल्स। आप फिग में देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग वैल्यूज हैं 1, 0 और नेगेटिव के अलोंग -1, 0 और वाई एक्सिस के अलोंग 0, 1 और नेगेटिव के अलोंग 0, -1। क्यों y एक्सिस के अलोंग पहले 0 आया है और x एक्सिस के अलोंग क्यों पहले वैल्यू आई है? जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी वैल्यू को हम जब लिखते हैं टर्म के अंदर, तो हमारे पास ब्रेसिस के अंदर लिखते हैं, तो x y यानी कि x की वैल्यू पहले आती है और y की वैल्यू हमारे पास बाद में आती है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि कॉर्डिनेटल एंगल्स असल में हैं। A cordental angle is the angle in standard position with terminal side on the x-axis or y-axis. Some examples are the angles located at. कि हमारे पास cordental angles वो हैं कि जो के x-axis और y-axis के along, उनके terminals के along पाए जाते हैं। मतलब के first pic में आप देखें x-axis के बिल्कुल straight, यानी कि हम कह सकते हैं एक साथ parallel हॉरिजॉन्टल लाइन में जो मौजूद है वो 0 डिग्री है। जब हम 0 से लेके हम जाते हैं परपेंडिकुलर यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग, वहाँ 90 का बनता है। जब हम 90 के से हम जा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वहाँ 180 बनता है। जब हम वहाँ से थर्ड तक जा रहे हैं तो टोटल हमारे पास 270 आ रहा है। और इस तरह हम जब फोर क्वाड्रेंट में जाएंगे तो हमारे पास कौन सा एंगल आएगा? 360 का। अब आप आगे ग्राफ में भी इसको देख सकते हैं कि ग्राफ में उन्होंने बता दिया है मुख्तलिफ वैल्यूज इनकी कि साइन, कॉस और टेन है। अब ये देखें कि एक्स एक्सिस के अलोंग यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज हमने कहा था कि पॉजिटिव होती है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग 0 डिग्री पर 0 पर साइन की, कोस की और टेन की सारी वैल्यूज बता दी। जब साइन 0 डिग्री लेंगे तो हमारे पास वैल्यू 0 आएगी, कोस 0 की वैल्यू 1 है और टेन 0 की वैल्यू 0। अब साइन 90 पर साइन हमें 1 वैल्यू देगा, कोस 90 पर हमें 0 वैल्यू देगा और टेन 90 पर अनडिफाइंड देगा, क्योंकि हमने कहा था कि जिसके भी डिवीजन में 0 नंबर मौजूद होगा उसका मतलब है कि वहां अनडिफाइंड आए। साइन 180 डिग्री पर हमें 0 वैल्यू देगा, कॉस 180 डिग्री पर हमें -1 देगा और टेन 180 पर 0 देगा। यहां 0 जहां ऊपर है वहां 0 वैल्यू आएगी और जहां 0 डिवीजन में मौजूद है इसका मतलब है अनडिफाइंड होगा। अब 270 डिग्री पर भी हमें वैल्यूज मिली हैं, साइन 270 पर 1 है। क्यों हमें साइन 270 डिग्री पर 1 वैल्यू दे रहा है, कॉस 270 डिग्री पर 0 दे रहा है और टेन 270 डिग्री पर हमें अनडिफाइंड दे रहा है, क्योंकि इसकी डिवीजन में 0 नंबर मौजूद है।
नेक्स्ट हमारे पास है कि टेबल है हमारे पास टेबल ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का। अब उन्होंने डिफरेंट टेबल्स बता दिए हैं, साइन जीरो, साइन थीटा पर, कोस जीरो, 90, 180 और 270, 360 पर, कोस जीरो, कोस थीटा भी बता दिया है, टेन थीटा भी बता दिया है। ये वैल्यूज हम पीछे ग्राफ में डिस्कस करते आए, लेकिन आगे उनके रेसिप्रोकल्स भी मौजूद हैं। अब आपको पता है कि साइन थीटा किस, साइन थीटा किसका मतलब के उसका रेसिप्रोकल क्या है, फिर कॉस का भी पता है और टेन का भी पता है। टेन थीटा का क्या रेसिप्रोकल था, कॉट थीटा किसके रेसिप्रोकल के इक्वल है, टेन थीटा के इक्वल है, यानी कि वन ओवर जीरो होगा तो अनडिफाइंड आ जाएगा। फिर जब अनडिफाइंड नीचे चले जाएगा और वन ओवर अनडिफाइंड हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, फिर जीरो है वन ओवर जीरो होगा अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर अनडिफाइंड है तो फिर जीरो वैल्यू आ जाएगी, फिर अगर जीरो है तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह साइन थीटा और कॉस थीटा के रेसिप्रोकल्स की भी वैल्यूज मौजूद है। अब हमने पीछे देखा था कि जहां पर साइन थीटा के हम ये बताएं कि साइन कहाँ पॉजिटिव देता है और कहाँ वैल्यूज को नेगेटिव देता है। अब ये देखें कि कॉस के अगर थीटा में नेगेटिव होगा तो वो ख़त्म कर देगा, वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कॉस पाया जाता है। साइन थीटा जो है वो वाई की वैल्यू है, अगर थीटा अगर नेगेटिव होगा तो साइन नेगेटिव बाहर निकालेगा, और टेन भी अगर नेगेटिव कि थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो भी नेगेटिव वैल्यू बाहर निकालेगा, क्योंकि टेन थीटा तो इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के। अगर इन दोनों में से एक चीज भी नेगेटिव आ जाएगी तो टेन की वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगी। आगे बताया है कि थीटा जो कॉस थीटा है वो पॉजिटिव वैल्यू क्यों देता है, क्योंकि हमने अगर थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हमेशा जो भी वैल्यू कॉस लेंगे, साइन लेंगे, टेन लेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही देंगे। लेकिन अगर अगर वैल्यूज में कॉस के थीटा में नेगेटिव वैल्यू होती है तो नेगेटिव वैल्यू बाहर क्यों नहीं निकलती, वो ख़त्म हो जाती है। आगे फिर से डिस्कस कर दिया गया है, क्योंकि तो कॉस थीटा एक्स एक्सिस के अलोंग पाया जाता है और साइन थीटा वाई एक्सिस के अलोंग पाया जाता है, इसलिए कॉस थीटा हमेशा वैल्यूज जो है उसकी थीटा की वैल्यू नेगेटिव को खत्म कर देते हैं। और टेन थीटा क्या पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना डिपेंड करता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज क्या है। सिंस ओनली वन पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन गेट्स अ नेगेटिव साइन, द टेंजेंट गेट्स वन एज वेल। आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है, अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। टिल देन टेक केयर एंड गुड।